इसमें करने क्या वाले हैं, ये आईसी जैसे कि आप पहले बार ये वीडियो देख रहे होंगे पूरे यूट्यूब पे, इस आईसी को ना डालकर हम यहाँ पे जो इसको बाईपास करने वाले हैं। तो बाईपास कैसे करेंगे? हाँ, अभी अपने पास एक रेडमी का मोबाइल है, रेडमी 9A का। इसके अंदर मोबाइल जो है डेड कंडीशन में, पावर की प्रेस करके चेक करेंगे तो फोन अपना कुछ ऑन नहीं हो रहा है। और फोन को चार्जिंग में लगा के चेक करेंगे तो चार्जिंग के अंदर जो है 0.6 एम्पियर ले रहा है ये, और डाउन हो रहा है, डाउन होके जो 1 पॉइंट तक जा रहा है फिर डाउन हो रहा है। और उसके बाद इसका डीसी का स्विचिंग चेक करेंगे, डीसी के अंदर स्विचिंग क्या लेता है ये फोन। जैसा डीसी के अंदर लगाए और स्विचिंग चेक करेंगे इसके अंदर, एक मिनट मैं यहाँ करेक्ट कर लेता हूँ। तो डीसी को लगाए और ये डीसी के अंदर स्विचिंग चेक करेंगे तो कोई भी टाइप ऑफ स्विचिंग यहाँ से नहीं हो रहा है, पावर की प्रेस कर रहे हैं तो। और इसको आउट करेंगे, बोर्ड को आउट करके एक बार यहाँ से फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, फिर से कनेक्ट करके जो पावर की अगर वर्क नहीं करा तो भी अपने कोई भी टाइप ऑफ स्विचिंग नहीं लेता है तो यहाँ से ले लेंगे थोड़ा बहुत पावर की इसका। ठीक है, 0.37 0.23 तक एक लो बूटिंग के अंदर है ये वाला फ़ोन। तो जब सीपीयू ड्राइव होता है या सीपीयू पे हील गिरता है या कोई डैमेज करता है उस कंडीशन में भी होता, या सीपीयू को मिलने वाला कोई वोल्टेज नहीं मिला उस कंडीशन में भी ये वाला प्रॉब्लम होता। तो चेक करेंगे इस कंडीशन में क्या फॉल्ट निकलता है अपना। तो फर्स्ट मोबाइल के अंदर फर्स्ट शॉर्टिंग चेक करेंगे, जो सेकेंडरी के अंदर जो कुछ शॉर्टिंग है क्या। अगर वीबैक में वीपीएच में शॉर्टिंग है तो जैसा नॉर्मली डीसी के अंदर 8 एम्पियर तो लेता है, तो चेक करेंगे जो है अपना पावर के पास, जो पावर के पास जो सारा कैप लगा हुआ है और सारा कॉइल्स कनेक्टेड है, कॉइल्स के ऊपर भी चेक कर लेंगे। यहाँ वहीं जो पावर एसी जो है, पावर एसी का जो है अगल बगल में सारा कैप जो भी है यहाँ चेक कर रहा हूँ, यहाँ कोई शॉर्टिंग तो है नहीं। यहाँ देख रहा हूँ यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी चेक कर रहा हूँ यहाँ भी कुछ नहीं है, और यहाँ भी चेक कर रहा हूँ यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, और यहाँ देखेंगे इसके अगल में और यहाँ भी कोई भी टाइप ऑफ शॉर्टिंग तो है नहीं। और सारा कॉइल्स के पास का रीडिंग ले लेंगे तो बस के अंदर कोई शॉर्टिंग बना क्या, तो यहाँ चेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी अपने को जो रीडिंग आ रहा है 430 तक। और यहाँ भी चेक करेंगे इसके पास, यहाँ भी अपने को रीडिंग आ रहा है, और यहाँ भी चेक करेंगे यहाँ भी 103 का कुछ रीडिंग आ रहा है। तो और ये वाला बक का जो लाइन है मैं यहाँ कैप पे ऊपर चेक कर रहा हूँ, यहाँ 138 का रीडिंग आ रहा है, और यहाँ भी एक बक कनेक्टेड है। और इसके साथ देखेंगे जो कैप की कनेक्टेड रहता है उसके ऊपर अपन चेक कर ले सकते। तो इसका अगल बगल में चेक करेंगे ये वाला, इसके ऊपर देख लेंगे, यहाँ देखेंगे कोई अपने को शॉर्टिंग नहीं है। तो सारा बक के अंदर चेक करें, यहाँ कोई भी टाइप ऑफ शॉर्टिंग नहीं मिला। तो सीपीयू के अगल बगल में देखेंगे और रैम के अगल बगल में चेक करेंगे, यहाँ जो है इसके अंदर रैम अलग से लगा हुआ है, सीपीयू जो है मीडियाटेक का है, और यूएमसी जो है इधर तरफ में सैमसंग का लगा हुआ है। पहले ये चीज़ चेक करेंगे सीपीयू के अगल बगल में कोई लाइन शॉर्टिंग है क्या, तो यहाँ भी अपने को कोई भी टाइप ऑफ यहाँ भी देख रहा हूँ मैं, और यहाँ नीचे की तरफ ये सीपीयू के अगल बगल में क्या कुछ कनेक्टेड है यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी कुछ शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ भी देखेंगे यहाँ भी कुछ शॉर्टिंग नहीं है,
यहाँ भी देख रहे हैं तो यहाँ भी कोई शॉटिंग नहीं है, यहाँ भी देख रहा हूँ यहाँ भी कोई शॉटिंग नहीं है, यहाँ भी देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ सीपीयू के अगल बगल में कोई भी टाइप ऑफ शॉटिंग तो नहीं मिला मेरे को। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे इसका एमएमसी के अगल बगल में भी कोई भी टाइप ऑफ शॉटिंग नहीं मिला मेरे को। और यहाँ भी देखेंगे इवन रैम के बगल में भी कोई भी टाइप ऑफ या कोई लाइन शॉटिंग तो नहीं है इसके अंदर बोर्ड के अंदर। और ये चीज़ चेक करेंगे जो बोर्ड के अंदर शॉटिंग कुछ नहीं है। और यहाँ सिस्टम कनेक्ट करके देखेंगे और सारा वोल्टेजेस भी चेक करेंगे। पहले फर्स्ट सारा जो बक के अंदर के सारा वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। तो चार्जर अभी कनेक्ट कर रहा हूँ, चार्जर कनेक्ट कर दिया। जैसा चार्जर कनेक्ट कर दिया तो अपना यहाँ चेक कर लेना चाहिए अपना वीबस की इनपुट की लाइन। यहाँ मैं इसको वोल्टेज मोड में लगा दिया 20 वोल्टेज में। यहाँ चेक करेंगे यहाँ इसके अगल बगल में कोई पॉइंट पे अपने को 5.20 यहाँ वीबस की इनपुट मिल रहा है। ठीक है, और बैटरी कनेक्टर पे देखेंगे यहाँ 4 वोल्ट यहाँ भी मिल रहा है। और यहाँ पीछे कर रहा हूँ मैं, बैक साइड कर रहा हूँ जो चार्जिंग एसी है, चार्जिंग एसी के अगल बगल में देख रहा हूँ जो वीपीएच बना रहा है या नहीं बना रहा। हल्का ऐसा लग रहा है ये बोर्ड, अगर देखे तो ये जो वाटर डैमेज की बोर्ड लग रहा है। यहाँ देखेंगे तो ये दिख रहा है, ये कंपोनेंट देखे तो समझ में आ रहा है ये वाटर पानी में लगा हुआ फ़ोन है, वाटर डैमेज की फ़ोन है। ठीक है, यहाँ देखेंगे यहाँ वीपीएच भी बन रहा है, स्टेबल के अंदर प्रॉपर है वीपीएच भी अपना ओके। तो जैसा यहाँ वीपीएच बन गया तो अपना पावर के पास जो है पावर को सारा वीपीएच मिलना स्टार्ट हो जाता। तो यहाँ देखेंगे यहाँ भी अपने को वीपीएच मिल रहा है, और यहाँ बगल में देखेंगे यहाँ भी अपने को वीपीएच मिल रहा है, और यहाँ भी देखेंगे वीपीएच मिल रहा है। तो ये वाला इसी को वीपीएच मिलना स्टार्ट हो गया तो इसी कुछ ना कुछ आउटपुट करना स्टार्ट कर देता। तो ये चेक करेंगे अपन यहाँ जो एक एक कॉइल के अंदर, ये वाला कॉइल है 1 2 3 4 5 कॉइल कनेक्टेड है इस सेट के अंदर। तो एक एक कॉइल के अंदर जो है कितना कितना वोल्टेजेस बना रहा है ये सब चीज़ चेक करेंगे। पहले मैं यह चेक कर रहा हूँ ये कॉइल के कंपोनेंट के ऊपर। तो यहाँ 2 वोल्टेज बन रहा है, ये हो सकता है एक IRLT हो। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ नेक्स्ट चेक कर रहा हूँ ये वाला कॉइल की सप्लाई, ये वाला कैप के ऊपर यहाँ चेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ बन रहा है अपने को 0.80 का वोल्टेज। और उसके बाद ये वाला कॉइल का सप्लाई का वोल्टेज जो है मैं यहाँ ये वाला कैप के ऊपर चेक कर रहा हूँ, यहाँ 0.80 का वोल्टेज बन रहा है। और ये वाला कॉइल का सप्लाई यहाँ चेक कर लेता हूँ, यहाँ अपने को 0.80 वोल्टेज, मगर वोल्टेज जो है हल्का सा फ्लैक्चुएट हो रहा है, ये वाला वोल्टेज 0.80 आ रहा है और जा रहा है। तो ये वाला वोल्टेज जो है इसके अंदर फ्लैक्चुएशन शॉर्टिंग के वजह से या CPU का हीट बढ़ने से या जो CPU का रिक्वायरमेंट प्रॉपर नहीं होने से ऐसा होता है। तो देखेंगे यहाँ, और यहाँ भी देखेंगे यहाँ ये वाला कॉइल जो कनेक्टेड है इस वाला कॉइल के ऊपर जो है, ये बगल वाला कैप के ऊपर चेक करेंगे कुछ वोल्टेज है क्या। हाँ, तो यहाँ देखेंगे इसके ऊपर, ये वाला कॉइल के ऊपर चेक करेंगे, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं बना रहा है, हो सकता है ये मॉडम विनम का लाइन। ठीक है, तो पहले मैं जो कॉइल बताया उस कॉइल को एक बार इसके अंदर वोल्टेजेस जो बने उसको पावर सेक्शन का जो है सारा चीज़ अपन चेक करेंगे। तो मॉडल जो है रेडमी 9A का है। तो भाई मैं स्क्रीमेटिक के अंदर आ जाता हूँ, स्क्रीमेटिक के अंदर जाएंगे, Xiaomi ओपन कर लेंगे यहाँ से। तो यह देख रहा हूँ रेडमी 9A का मॉडल, ये लेआउट ओपन है, इसको ओपन कर दे रहा हूँ, इसको स्क्रीमेटिक को ओपन कर दे रहा हूँ। लेआउट अपना ओपन हो गया, तो ये हो गया अपना U201 अपना जो पावर एसी हो गया। अब डायग्राम के अंदर U201 को सर्च करेंगे, U201।
तो यहाँ देखेंगे तो अपना U201 का ये जो नॉर्मल ऑडियो वीडियो का सेक्शन आ गया और यहाँ जो है LEO का सेक्शन आ गया। अब इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ जो है अपने को जो कॉइल्स का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, जो बक कॉइल के रिलेटेड का सारा वोल्टेज जो यहाँ दिया हुआ है, ये VSN VPA जो मॉडम के लिए जो सप्लाई बनता है, ठीक है, यहाँ मॉडम के लिए सप्लाई और कोर के लिए जो सप्लाई और वी प्रोसेसर के लिए जो सप्लाई, जो सारा वोल्टेजेस यहाँ तो मेरे को बन गया। और नेक्स्ट मुझे ये देखना है जो MTK के अंदर जो है एक्सटर्नल बक जो यूज़ करता है, यहाँ जो दिया हुआ है छोटा वाला IC U1402, इसको देखेंगे एक बार। U1402 इसको सर्च करेंगे, यहाँ 1402 को सर्च कर लिया मैं। जो VS2 का सप्लाई, VS2 का जो है ये एक्सटर्नल बक है, इसके अंदर ये छोटा सा AC लगा हुआ है, तो इसके अंदर VPH एक इन हो रहा है और यहाँ से ग्राउंड कनेक्शन है, एक PGood है, एक VSN PMU का लाइन जो है इसको जो एनेबल के लिए आ रहा है अपने को। उसके बाद यहाँ देखेंगे जो 1.46 ये वाला IC आउटपुट करता है, ठीक है, तो पहले इसको चेक करेंगे इसके अंदर जो है VPH आ रहा या नहीं आ रहा और इसका आउटपुट निकल रहा या नहीं निकल रहा कॉइल से होके ये वाला कैप के अंदर। फर्स्ट यहाँ चेक करेंगे अपने को C1404 के ऊपर, जो यहाँ लगा हुआ है C1404, इसके ऊपर चेक करेंगे जो VPH की वोल्टेज मिल रहा या नहीं मिल रहा। तो यहाँ चेक करेंगे, सॉरी C1404 नहीं होता हूँ, यहाँ देखिए सॉरी C1404 ये, तो इसको यहाँ चेक करेंगे C1404 यहाँ कनेक्टेड है C1404 ऊपर की तरफ, तो ये वाला छोटा कैप के ऊपर आ रहा है अपने को VPH की सप्लाई। यहाँ देखेंगे अपने को VPH, इसको ये वाला IC को भी VPH मिल रहा है यहाँ, तो इसका जो आउटपुट बनेगा अपने को जो ये वाला लाइन के ऊपर, यहाँ इसका जो यहाँ जो C1406 पे अपने को बनना चाहिए 1.46 का वोल्टेज, मतलब 1.50 तक अप्रॉक्सीमेटली। C1406 है किधर ये देखेंगे, C1406 को देखेंगे किधर साइड है, तो ये वाला कैप है जो कॉइल का बगल में है, तो ये वाला कॉइल के बगल वाला कैप को देखेंगे, जो कॉइल का बगल वाला कैप दिख रहा है इसके ऊपर देखेंगे 1. जो यहाँ देखेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ देखेंगे यह सही ग्राउंड होगा, तो 1.46 का जो वोल्टेज जो है अपने को यहाँ यहाँ जो वोल्टेज जो है 1.06 पे यहाँ वोल्टेज अपने को मिल रहा है, मतलब ये वाला छोटा वाला एक्सटर्नल बग भी काम कर रहा है अपने को। और नेक्स्ट ये देखेंगे अपन, उसके बाद इसके अंदर चार चार एक्सटर्नल एक यूज़ करा, यहाँ VA12 यूज़ करा, और उसके बाद जो है अपने को जो इसके लिए LPDDR जो RAM सेक्शन के लिए जो है यहाँ भी अपने को एक एक्सटर्नल बक यूज़ करे सो है, और यहाँ भी अपने को LPDDR4X के लिए यहाँ भी यूज़ करे सो है, ठीक है। ये सारा चीज़ों को चेक करना है अपने को, ताकि ये सब पावर जब मिलता है तभी जाके अपने को CPU प्रॉपरली एक्टिवेट होता है। तो यहाँ देखेंगे अपने को यहाँ जो छोटे वाला जो IC दिखा हुआ है जो RAM के ऊपर लगा हुआ है, ये वाला कनेक्शन एक बार ले लेंगे इसको, तो LPDDR RAM प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए जो 2801 जो है इसको एक देखेंगे और 2802 ये दोनों को देखेंगे। पहले 2801 किधर है देख लेंगे, तो 2801 इसके अंदर सर्च नहीं होता फ्रेंड्स, ताकि जो है ये 2801 ये यहाँ दिख रहा है तुम्हारे को U2801, तो U2801 का जो है अपने को
यहाँ जो आउट के अंदर अपने को स्विचिंग के अंदर यहाँ जो है 1.2 की एक वोल्टेज है, और इसके लिए VPH यहाँ NRI, इसके अंदर सीरियल डाटा क्लॉक, यहाँ भी 1.8, यहाँ भी 1.8, सारा वोल्टेज मिलते हैं अपने को। तो ये वाला जो छोटा वाला कायल है इसके ऊपर चेक करेंगे, जो 1.2 है ये रैम के लिए वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है इसके ऊपर। इस वाला कायल जो है PL2803, तो यहाँ देखेंगे PL2803, इसके ऊपर चेक करेंगे जो यहाँ कनेक्टेड है। तो इसके बगल में ये वाला कॉइल के अंदर देखेंगे एक बार, जो इसको जरा मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ, यहाँ देखेंगे तो PL2803 के ऊपर यहाँ चेक करेंगे कुछ वोल्टेज बन रहा या नहीं बना रहा है। इसको थोड़ा मैं हल्का सा स्क्रैच कर लेता हूँ, ताकि जो है यहाँ तो कुछ इसका जो लाइन है, एक बार बिट मैप ओपन करता हूँ, या कुछ बिट मैप के अंदर Xiaomi के अंदर जो नए वाला मॉडल है, ठीक है, यहाँ से ले लेंगे। तो इसका कोई आउट में कोई लाइन और कैप ये कुछ कनेक्टेड है तो वहाँ से चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे इसका जो लाइन है आउट साइड में, ये वाला कैप है जो C835, यहाँ भी अपन चेक कर ले सकते हैं। तो बगल वाला कैप के ऊपर चेक कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर चेक कर रहा हूँ, यहाँ भी अपने को 1.2 का वोल्टेज यहाँ भी बना रहा है, ठीक है। ये वाला लाइन भी अपना यहाँ डाउन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ देखेंगे ये वाला कैप के ऊपर भी अपने को 1.2 की वोल्टेज बन रहा है, मगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन के अंदर है, ठीक है। और ये देखेंगे इसका भी अपने को वोल्टेज जो है 1.2 की वोल्टेज ये भी बन गया अपने को, और इसके अंदर VPH सारा कुछ मिल रहा है, तभी जाके यहाँ अपने को जो वोल्टेज दिख रहा है। VDD2 देखेंगे एक बार, इसको मैं जरा सर्च करता हूँ, तो अपना यहाँ जो है C817 को ले लेंगे एक बार, ये किधर साइड कनेक्टेड है, C817, तो 817 को ले लेंगे। तो ये वाला वोल्टेज तो अपने को यहाँ 1.2 वोल्टेज यहाँ मिल गया, और उसके बाद यहाँ देखेंगे जो नेक्स्ट जो है LPDDR के लिए जो है अपना 2802 और एक है, तो 2802 को देखेंगे एक बार, यहाँ जो कनेक्टेड है 2802। अब मैं इसके अंदर आ रहा हूँ, तो U2802 के लिए भी अपने को यहाँ जो है VPH इन हो रहा है, इसके लिए भी सीरियल डाटा क्लॉक और VIVO18 भी आ रहा है इसके अंदर। और यहाँ 0.60 की जो वोल्टेज बनता है रैम के लिए, जो कॉइल का बगल में दिया हुआ है, तो कॉइल का ऊपर देखेंगे एक बार, कॉइल के बगल में जो इसका एक बार लेआउट ओपन करता हूँ, ये वाला कॉइल के ऊपर चेक करेंगे, और ये वाला कॉइल के बगल में क्या चीज़ कनेक्टेड है, तो कैप के ऊपर C814 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे C814 के ऊपर यहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ भी 0.60 का वोल्टेज अपने को प्रॉपर बन रहा है, ठीक है, ये भी अपना ओके। सारा चीज़ चेक कर लिए, अभी जितने एक्सटर्नल बक है जो पावर के लिए बन रहा है सारा चीज़ अपन चेक कर लिए, और एक छोटा सा चीज़ अपने को बचा हुआ है, यहाँ LPDDR4X ये वाला भी चेक करें अपन। और यहाँ एक है अपने को जो ये जो 1.8 की LDO का आउटपुट है, ये वाला भी अपने को प्रॉपर बनना, ये वाला भी चेक करेंगे, इसका जो IC का कोड देखेंगे, तो U2810 है ये किधर लगा हुआ है देखेंगे, U2810 या देखेंगे 2810 क्या चीज़ लगा हुआ है 2810 U2810 यहाँ देखेंगे, हाँ यहाँ दिख रहा है अपने को U2810 छोटा LDO एक लगा हुआ है, यहाँ ये कोने में जो लगा हुआ है ये वाला LDO है, इसका LDO का पॉइंट पे भी चेक करेंगे। तो ये वाला LDO के अंदर अपने को जो
इसका EN के ऊपर 1.8 वोल्ट आ रहा है जो VDD1 के लिए आउट वोल्टेज यहाँ निकल रहा है। तो एक नंबर पिन पे जो IC का जो है एक नंबर पिन पे चेक करेंगे, यहाँ कुछ वोल्टेज बन रहा है ठीक है, इसके अंदर भी अपने को जो आउट के अंदर 1.8 वोल्ट बन रहा है ठीक है, ये भी अपना जो है ये भी अपना ओके है, ये वाला भी LDO अपने को ओके। और नेक्स्ट चेक करेंगे अपने को जो इसका तीन तो एक्सटर्नल बग दिया है, तीन चार ये भी चेक करें अपन, ये भी चेक करें। और नेक्स्ट चेक करेंगे यहाँ एक VA12 करके एक ऐसी है, तो ये वाला चेक करेंगे, यहाँ देखेंगे इसके अंदर भी अपने को जो एक VSYS जो VPH का लाइन होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है अपने को यहाँ C2 के पिन पे अंदर यहाँ VPH इन हो रहा है, इसके अंदर जो है एक्सटर्नल PMIC से अपने को एक एनेबल सिग्नल आ रहा है, इसके अंदर ये VS2 के अंदर ये EVS2 से जो वोल्टेज आ रहा है इसके अंदर ये 1.40 का ये यहाँ भी अपने को वोल्टेज आता है। और उसके बाद यहाँ जो चेक करेंगे यहाँ से 1.2 बन के जो आउट होता है, यहाँ ये भी चेक करेंगे वोल्टेज आउट इधर से हो रहा है, तो इसके अंदर से यहाँ अपने को फीडबैक ले लेता है, इसके अंदर जो डिवाइडर सर्किट बना हुआ है इसके अंदर से फीडबैक ले लेगा। तो देखेंगे इसके अंदर अपने को जो वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, और ये AC किधर लगा हुआ है ये भी देखेंगे, U1401 तो U1401 तो इधर साइड तो किधर भी नहीं है, तो CPU के अगल बगल में यहाँ देखेंगे तो ये तो U404 है ये ठीक है, यहाँ दिख रहा है अपने को U1401 छोटा वाला एक IC है। तो यहाँ चेक करेंगे यहाँ नीचे जो है अपने को एक स्मॉल IC दिया हुआ है, यहाँ स्मॉल IC जो दिया हुआ है इसका जो है इनपुट पे चेक करेंगे जो वोल्टेज जो इसको यहाँ जो है अपने को एक C1403 पे चेक करेंगे, तो C1403 यहाँ है अपने को इसके ऊपर चेक करेंगे C1403 पे, यहाँ देखेंगे कुछ वोल्टेज बन रहा है तो इसको यहाँ मिल रहा है अपने को 2 वोल्ट का तक का 1.50 2 वोल्ट तक का इनपुट यहाँ मिल रहा है। और इसका जो आउटपुट बनता है अपने को इसके अंदर देखेंगे आउटपुट का वोल्टेज जो है C1402 पे मिलता है, तो C1402 किधर है इसके अंदर ये वाला कैप के ऊपर अपने को आउटपुट वोल्टेज जो है 1.2 वोल्टेज बनना है, यहाँ देखेंगे अपन। तो यहाँ इस ये वाला जो एक्सटर्नल बक के अंदर जो है 0.1.2 की वोल्टेज की जगह ये वाला वोल्टेज जो है प्रॉपरली नहीं बना रहा है, इसलिए जो है अपने को ये फ़ोन प्रॉपरली वोल्टेज भी फ्लक्चुएट हो रहा है, या कि CPU प्रॉपरली बैठा नहीं सरका बता रहा है अपने को प्रॉपरली वोल्टेजेस, कोई भी वोल्टेजेस प्रॉपरली जो है फ्लक्चुएशन कर रहा है, वोल्टेज के अंदर फ्लक्चुएशन है। और ये वाला वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है ये चीज़ चेक करेंगे, ये वाला IC को तो इनपुट को सप्लाई मिल रहा है मगर आउटपुट के अंदर कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो देखेंगे इसको। तो ये वाला स्मॉल IC जो है इस IC को आप चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, या इसको बाईपास करना है तो बाईपास भी कर सकते हैं। तो बाईपास करने के लिए कैसा बाईपास करना, ये इसके अंदर जो है अपने को जो ये VS2 का वोल्टेज जो आ रहा है इसके अंदर वोल्टेज इनको और आउट के ऊपर एक छोटा सा जंपर कर देना, तो इसके अंदर का वोल्टेज क्या होता डायरेक्टली यहाँ आउट हो जाता। तो इसको एक बार मैं बाईपास भी करके बताता हूँ, जो IC लगा हुआ रहने दो। तो C1403 पे लेके जो 1402 पे एक छोटा सा जंपर मार के चेक करेंगे, तो इसको मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो 1.2 की वोल्टेज जो है मस्ट एंड श्योर है। और ये वाला वोल्टेज जो है किधर किधर जा रहा है ये सारा चीज़ आपको ठीक है, तो इसको मैं बाईपास कर देता हूँ पहले 1402 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। आप IC निकाल के करना है तो यहाँ से लेके इससे लेके इसको एक छोटा सा जंपर भी आप मार सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा अभी हमने जैसे कि फाइंड आउट किया, ये जो IC है फ्रेंड्स ये LDO VA12 के लिए है, जो कि आपने देखा इससे जो वोल्टेजेस आउटपुट जाते हैं फ्रेंड्स ये CPU के लिए जाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो LDO है इसके अंदर आपको 6 बॉल देखने को मिलेंगे, और अभी हम इस IC को
बाईपास करके आपको बताएंगे कैसे बाईपास करना है और आपको जंपर कहां से कहां तक लगाना है। ये YouTube का पूरे YouTube पे आप पहली बार इस तरह का आप वीडियो देख रहे होंगे और ये फोन फिक्स हैदराबाद की तरफ से आपको ये सोल्यूशन है। और अभी मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, ये जो हैंडसेट है हमारा रेडमी 9A का हैंडसेट, जैसे आप देख सकते हैं जो CPU इसमें लगते हैं MT6762 CPU है। और यहाँ पे DC टू DC भी अगर आप देखेंगे तो BG सीरीज का लैग वाला IC यहाँ पे, जिसमें SDM41511 उसमें लिखा होगा, ये इसका पावर IC है। अगर बात करें फ्रेंड्स इसके बॉल की, तो ये 6 बॉल का IC है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका A1 हो गया, A2, B1, B2, C1 और C2। कोई भी एक IC जैसे होती है फ्रेंड्स, तो उसको सबसे पहले हम VPS वोल्टेज देते हैं। तो MediaTek के अंदर जो VPS वोल्टेज होता है उसको हम VSYS कहते हैं, जो कि हमारा DC टू DC से आता है। और इस हैंडसेट में, इस IC में VPS जहां से इन हो रहा है, उससे पहले आपको एक 0 ohms का रजिस्टर और एक पैरेलल में एक कैपेसिटर मिलेगा। तो यहां पे फ्रेंड्स सबसे पहले C2 में यहां पे वोल्टेज यहाँ पे इन होगा, जो कि VPH की शक्ल में, जो कि आपका 3.6 से लेके 4.2 के आसपास आपको वोल्टेज मिलेगा। इसके बाद C1 में आपको ग्राउंड देखने मिल जाएगा। और इस LDO को इनेबल करने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं आपके 4 पिन का जो LDO होता है उसमें इनेबल लाइन होती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस हैंडसेट में पावर AC से इनेबल लाइन आ रही है, जो कि 1.8 का वहां पे आपको वोल्टेज मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये VPA LDO लगाने का कारण क्या है, इससे आउटपुट क्या वोल्टेजेस बन रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.2 का जो वोल्टेज है वो CPU में जा रहा है। CPU में जो जा रहा है फ्रेंड्स वो PLL सेक्शन, जो कि इसका फेस लूप लॉक सेक्शन होता है, फेस लॉक लूप सेक्शन होता है, जहां पे आपको USB का सेक्शन हो गया, या CSI कैमरा सीरियल इंटरफेस का सेक्शन हो गया, या DSI डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस का सेक्शन हो गया, या LPDDR RAM के लिए जो सेक्शन होता है CPU के अंदर, या फिर WBG Wi-Fi Bluetooth और GPS का जो सेक्शन CPU के अंदर होता है, वो PLL सेक्शन को एक्टिव करने के लिए 1.2 के वोल्टेज होना बहुत जरूरी है। तो ये इस IC से जनरेट कब होता है फ्रेंड्स, जब इसको इनपुट दिया जाता है, साथ ही साथ इसको ग्राउंड दिया जाता है, और यहाँ पे एक 1.8 का इनेबल सिग्नल दिया जाता है, और यहां से पावर IC से VS2, जो कि हमारी SMPS स्विचिंग सप्लाई जो होती है, VS2 से यहाँ पे 1.46 मिलीवोल्ट यहाँ पे आपको, जो कि A2 पे यहाँ पे आपको ये वोल्टेज मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से A1 से ये वोल्टेज यहाँ से आउट होता है, और ये जो वोल्टेज आउट होता है फ्रेंड्स यहाँ पे 1.2 का वोल्टेज होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये 1.2 का वोल्टेज जब आउट होता है तो यहां पे बनता है एक डिवाइडर सर्किट, जैसे आप देख सकते हैं R1402, जो कि 24K का एक रजिस्टर है, जो कि हाई वैल्यू का रजिस्टर है। इसके अलावा एक पैरेलल में रजिस्टर है, जो कि R1403, जो कि 16K का रजिस्टर है। इन दोनों के बीच में से आप देख सकते हैं एक फीडबैक की लाइन, जो कि 1.2 का जो वोल्टेज हमारा आउट हुआ था, तो फीडबैक में ये डिवाइडर सर्किट में होता क्या है, वोल्टेज को ड्रॉप करा दिया जाता है, और यहां पे 0.5 का वोल्टेज फीडबैक के तौर पर B1 के जो बॉल है इस IC को रिवर्स दिया जाता है, ताकि यहां पे ये वोल्टेज जनरेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें करने क्या वाले हैं, ये IC जैसे कि आप पहले बार ये वीडियो देख रहे होंगे पूरे YouTube पे, इस IC को ना डालकर हम यहां पे जो इसको बाईपास करने वाले हैं। तो बाईपास कैसे करेंगे, अगर आप चाहो तो यहां पे A2 से A1 का जो बॉल है, इन दोनों को यहां पे आप इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं, इन दोनों को इस तरह से अगर आप मिला देंगे तब भी आपका ये वोल्टेज यहां पे बाईपास हो जाएगा। अदरवाइज ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे भी अगर आप जम्पर लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए ये LDO VA12 जो IC है इसको बाईपास करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता है। दोस्तों इस तरह का सर्किट की इंटरनल डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं आप, तो ज्वाइन करिए फोन फिक्स हैदराबाद, नंबर्स दिए गए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, कॉल करके व्हाट्सअप करके आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें। मैं ये वाला छोटा वाला जो LDO है इसको मैं पहले AC को रिमूव कर देता हूँ, आउट कर देता हूँ सेट के अंदर से, थोड़ा सा पेस्ट लगा लिया और इसको मैं लिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसे लिफ्ट कर दिया, जैसे लिफ्ट कर दिया तो इसका इनपुट को और आउटपुट के लिए जो है यहाँ से यहाँ एक जम्पर मारता हूँ, तो ठीक है, तो यहाँ से लेके अपना
जो ये वाला कैप से लेके फिर ये वाला कैप के ऊपर आप मार सकते हैं, या नहीं तो आईसी के अंदर इससे लेके इसको भी एक जम्पर मार सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इससे लेके यहाँ से लेके ये वाला आईसी को यहाँ से एक जम्पर लेता हूँ, तो यहाँ से हल्का सा एक जम्पर कनेक्ट करके और इसके ऊपर कनेक्ट कर दिए, तो नीचे जो है इसके ऊपर आप यहाँ का यहाँ एक छोटा सा जम्पर लगा के आप इसको जम्पर हट गया।
फॉल्ट के अंदर जो है अपन पूरा फोन का सारा वोल्टेज है, जो सीपीयू का रिक्वायरमेंट है, जो पावर, जो आउटपुट, सारा चीज़ चेक करके फ़ोन बनता है। नॉर्मली ऐसा ही नहीं बनता। और यहाँ जो है इसका जो है ये शील्ड रिमूव करने से, खींचने से, देखो यहाँ दिख रहा है तुम्हारा, यह दिख रहा है, तो शील्ड को जो है हीट करके रिमूव करना है। शील्ड को खींच देने से इंटरनली ट्रैक्स डैमेज हो जाते हैं, सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो क्या करना है, इसको वाटर डैमेज के अंदर आप साफ गिव कर लेते हैं। दिख रहा है ये वाला बोर्ड जो है वाटर डैमेज का, एक नॉर्मली वाटर डैमेज का बोर्ड है। इसके अंदर नॉर्मल टेक्नीशियन जो है विदाउट हीट, कुछ भी हीट नहीं करके सीधा कटर से लेके काटते हैं, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और सारा आईसी का इनपुट और आउटपुट चेक करके बना सकते हैं। और ऐसा आईसी तुम्हारे को जो ऐसा आईसी आप अगर निकाल के, अगर आप ऐसा आईसी आप फिर से डाल के चेक करना है, अगर ये वोल्टेज नहीं बन रहा बोल के आप परेशान होते हैं तो आपको पता है, मगर ये आईसी बाईपास भी कर सकते हैं, तो आप बाईपास कर ले सकते हैं। या नहीं डालना है तो सेम सेट होना, सेम मॉडल का फ़ोन होना, उसके अंदर निकाल के लगा सकते हैं, ताकि मार्केट के अंदर ऐसा छोटे आईसी जो है जो अवेलेबल नहीं रहते। तो इसके अंदर आपको यही चीज़ बताए, आईसी बाईपास करके कैसा ऑन करते हैं और कैसा पावर की वोल्टेजेस आउटपुट चेक करना है, कैसा एक्सटर्नल बक का सारा वोल्टेजेस चेक करना है, ये सारा चीज़ पूरा डिटेल के साथ आपको चेक करके बताए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।